गाइस अब हम लोग बासुकीनाथ पहुंच गए हैं और यहां से टर्न लेते हुए बासुकीनाथ प्रवेश द्वार में हम प्रवेश। गाइस अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मंदिर का रास्ता इधर से है। ये देखिए यहां बासुकीनाथ के शिवगंगा का भी पानी हरा हरा रंग में बदल गया है हरा। ये देखिए शिवगंगा बासुकीनाथ के कुछ नज़ारा आपको इस तरह को देखने को मिलेगा। और अभी खाली खाली सा है मंजर यहाँ का। यहाँ पे गाइस हम लोग फूल ले रहे हैं, वो जेंजवा तो खत्म हो गया। हाँ गाइस सब चल रहे हैं हम लोग मंदिर में प्रवेश करने के लिए। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं मंदिर में, जय हर महादेव, हर हर महादेव करते हुए बाबा के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश कर गए। और हम ये देखिए सिर्फ भोले बाबा का मंदिर और यहाँ पे हम लोग आए हैं अब, और यहाँ पे हम लोग अब संकल्प कराएंगे। गाइस मंदिर में पूजा कर लिए हैं हम लोग और यहाँ के मंदिर के नज़ारों को आप देखिए, चारों तरफ के व्यू को हम आपको दिखा रहे हैं। इस साइड में आकर के भी हम आपको दिखाएंगे देखिए। और ये हमारे बासुकीनाथ मंदिर का है और ये हमारे पार्वती जी का है मंदिर, ये देखिए। और सामने आप देख पा रहे होंगे शिव जी का है, वो देखिए शिव जी का मंदिर है ये बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग, ये मंदिर है। मंदिर के अंदर कभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा एक अलग, और उसके बाद अंदर के व्यू को आप देखें, उसके बाद फिर आप आइए इस साइड से, हम थोड़ा सा आपको कुछ नज़ारों को रूबरू कराते हैं। मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा हम आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ पे बासुकीनाथ मंदिर में। और यहाँ पे देखिए एक झलक हवन हो रहा है। और इस साइड से हम इस तरफ आते हुए इस साइड से इस तरफ के नज़ारों को आप देखिए। देख पा रहे होंगे अब ये शिव जी का मंदिर है, बाबा बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने जाते हैं। और ये देखिए पार्वती जी का है वो मंदिर, सामने आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा एक झलक इसके पीछे में है। ये हम आपको फिर से आपको एक
झलक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए गांठ बंधा हुआ है, वही है और ये शिव जी का है। और उसके बाद फिर हम इस साइड से होते हुए देखते देखिए और हम यहाँ के पूरे नज़ारे को आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए और ये देखिए घंटी बजा हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे आप बजा सकते हैं। सरकारी दान पेटी है ये, आप यादान कर सकते हैं। ये यज्ञ है, घंटी देख लिए आप और ये शिव लोग उसको प्रणाम भी कर लिए। और उसके बाद फिर हम इस साइड से तो इधर ये भी हमारा सिंह द्वार है, ये निकलने का द्वार है, यहाँ से आप निकल सकते हैं। निकलने घुसने का द्वार सब कि किसी से भी निकल सकते हैं, किसी से भी घुस सकते हैं, ये सिंह द्वार के नाम से जाने जाते हैं। और ये द्वार देखिए, द्वार से पहले हम इस साइड के नज़ारों को आपको दिखा रहे हैं और यहाँ के नज़ारों को आप देख करके आप अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कितना ही खूबसूरत हमारे बाबा ज्योतिर्लिंग का है, बाबा बासुकीनाथ से प्रसिद्ध हैं ये। और ये निकास द्वार है और हम इसी से निकलेंगे, अंदर भी इसी से आए थे, इधर से शिवगंगा निकलना होता है और हमको शिवगंगा के साइड से ही जाना है तो हम इधर से ही निकलेंगे। और हमारे यहाँ पे पंडा जी बैठे हुए थे, मनोज पंडा यहाँ पे अभी है नहीं, वो रहा उनका कॉन्टैक्ट नंबर। आप कुछ भी इनसे जानकारी चाहते हैं तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। ठीक, ये निकास द्वार है यहाँ पे बाबा शिव जी के मंदिर से, जैसे आप निकलिएगा तो उसी के जस्ट बगल में है ये। और ये देखिए नंदी बाबा, ये निकास द्वार है, इसी के जस्ट बगल में है, मनोज पंडा यहाँ बैठते हैं। और ये निकास द्वार है शिव जी के मंदिर से जब पूजा करके निकलते हैं यहीं से निकलते हैं और यहीं पे मनोज पंडा बैठते हैं। हम भी यहीं पे संकल्प कराए थे और हमारे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रांगण में। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम फिर निकलेंगे घर की ओर। मंदिर से निकास कर गए हैं हम और निकास करने के बाद कुछ नज़ारे इस तरह हैं। तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे है शिवगंगा और यहाँ से हम शिवगंगा की ओर निकलेंगे। और अगल बगल में देख सकते हैं आप पेड़ा प्रसाद का यहाँ पे दुकान बहुत सारा है, आप कहीं पे भी आकर के प्रसाद ले सकते हैं आप। ये देखिए सामने एक बजरंगबली का मंदिर भी दिख गया, प्रणाम कर लिए उनको। ये रहा सामने शिवगंगा जाने का रास्ता और हम इधर से ही निकलेंगे अपने जहाँ पे गाड़ी लगाई हुई है, गाड़ी के पास चलते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। पूजा करने के बाद जब हम आए तो रास्ते में हमको ये अचार का दुकान दिखा और ये अचार का बहुत अच्छा सेंट है, नहीं अचार का बहुत अच्छा सेंट आ रहा है, यहाँ हर एक क्वालिटी का अचार आपको मिल जाएगा। यहाँ अचार का दुकान बहुत सारा है, यहाँ का अचार बहुत फेमस है, देखते हैं मतलब डेग डेग पे आपको अचार का दुकान दिख जाएगा। ये कुछ इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ के। हमारे भाई रोशन भाई साहब ये देखिए तलवार के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, देखिए अंकित को तलवार के साथ फ़ोटो खिंचाते हुए। चलो नाश्ता हो गया, पेट भर गया है, हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं उसके बाद फिर देखते हैं क्या। चलिए जी अब हम लोग का पूजा पाठ हो गया, पेट पूजा भी हो गया, अब हम लोग चले हैं अपने अपने। नहीं वो नहीं दिखाए, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे अब घर। घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए हैं और घर जा रहे हैं अब। पूजा हो गया, कितना बजे? तकरीबन 3 बज गया होगा ना, 2 बजा है, 3-4 बजे तक लेटेस्ट पहुंच जाएंगे। अब हम लोग बासुकीनाथ से निकलते हुए और सामने बोर्ड में आप देखिए पुनः दर्शनाय का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से अब हम राइट लेते हुए और फिर अपने घर की ओर निकलते हुए। खाली पेड़ा का ही दुकान है, भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ा का दुकान यही पे है खुरमारा में, जो बासुकीनाथ के पास है। और बासुकीनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा करने के बाद सभी लोग यहीं पे प्रसाद लेते हैं और प्रसाद लेने के बाद यहीं से अपने अपने घरों की ओर जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेड़ा का भंडार
यहीं पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन से कितने सारे पेड़े के दुकान है, आप देख लीजिए। बहुत दूर दूर तक आपको पेड़े के दुकान देखने को मिलेंगे। देखिए दोनों साइड, सामने से भी है और इधर से भी। तो हम अभी इस दुकान में जा रहे हैं, भास्कर सबसे शुद्ध पेड़ा द भास्कर में, और यहाँ पे पेड़ा हमने यहाँ पे पैक कराया है। ये है कुछ व्यू इस तरह का है, और पेड़ा हमने पैक करा लिया है। जिले हम लोग पहुंच गए अब कटोरिया मार्केट, और पूजा करके अपना कटोरिया मार्केट आ चुके हैं और अपने अपने घर के लिए निकल चुके हैं और अपने घर में जाएंगे। और ये मेरा लास्ट ब्लॉग रहेगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल पे आप पहली बार अगर आप आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्ञान तो ब्लॉग को बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो। धन्यवाद, बाय बाय।